बीएसए रामेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में यूडाइस के अंतर्गत डाटा फीडिंग के अधिकारियों की बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि डाटा के आधार पर कार्य प्रणाली को संचालित करें, विशेषकर शिक्षा विभाग में जिसके लिए यूडाइस प्रणाली काफ़ी पुरानी व्यवस्था है, जिस पर भारत सरकार की वेबसाइट पर सभी प्राइवेट विद्यालय राजकीय विद्यालय अपना डाटा फीड करते हैं। नीतिगत निर्णय लेने में व सुधारात्मक कार्रवाई करने में या गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा यूडाइस प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है, जिसके लिए विद्यालय के सभी प्रबंधक अध्यापक से अनुरोध है कि यूडाइस डाटा को पूरे सत्यनिष्ठा के साथ भरें। इसमें किसी की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएंगे और शासन स्तर पर बेहतर निर्णय ले पाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर को शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी बना पाएंगे। इस अवसर पर बीएसए रामेन्द्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसए रामेन्द्र सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा आपका पोर्टल ही सुपर इंस्पेक्शन का है, उनका सुपरविजर का पोर्टल है। बैठक में ये चीजें उनसे सर्वमान्य नहीं कराते तो नए तरह का विवाद शुरू हो जाता है। अगर आप वहां समझा दीजिए कि यही इंस्पेक्शन पंजिका सुपरविजन पंजिका भी है, उसका नाम ही कह दीजिए इंस्पेक्शन आप लिख सुपरविजन पंजिका है, नहीं है तो जो लिख के आया वो यही है, तो आप उसको इंस्पेक्शन आप लिख सुपरविजन करा दीजिए उसी में। Whether school management committee has been constituted as per RT norms, जिनके यहाँ बनी हुई है उनका प्राइवेट में भी कुछ बनाया गया बनती है ऐसी कमेटी नहीं बनती है तो परिषद में जरूर दिखा दीजिएगा, यानी सभी में यह सूबा विवरण लेकर के अपडेट करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स उसी को कहा है कि जिसमें उसी में मल्टीपल क्लासेस, जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई भी होती हो, अलग से भी कोई ट्रेनिंग क्लास या स्कूल चलता हो, उस तरीके के टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्ले मटेरियल इसमें एक एक करके पूछा है। टेक्स्ट बुक सबको मिल चुकी है, टेलर मटेरियल भी मिला हुआ है और सभी को ट्रेनिंग मिली हुई है। यस ही होगा, अपने परिषद के लिए सभी का यस ही होना है क्योंकि ये सारी चीजें मिली हुई है। ये यूडाइस प्लस जो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, इस पर प्रत्येक विद्यालय को अपने विद्यालय से संबंधित समस्त सूचनाओं को इस पर ऑनलाइन अपलोड करना होता है। भौतिक सुविधाएं वहाँ पे, बच्चों की सुविधाएं, कितने बच्चे हैं इसमें 12 सेक्शन में बटा हुआ है, वहाँ पे कितने कमरे हैं, इस प्रकार सारी जानकारियाँ ऑनलाइन अपलोड करनी होती हैं और ये मैंडेटरी है, सभी विद्यालयों को यूडाइस कोड भरना रहता है। मेरा यही अनुरोध है सभी प्रधानाचार्य से, सभी विद्यालय वालों से कि आप यूडाइस प्लस में सहयोग करें। जहाँ कहीं भी आपको समस्या आ रही है, आप ब्लॉक लेवल पे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी से मिलें, जनपद लेवल पे DCMIS और हम लोग उनका टेक्निकली सहयोग करेंगे, तो कहीं भी कोई दिक्कत हम किसी को आने नहीं देंगे। डेटा के आधार पर हमारी प्रणाली को संचालित करें, विशेषकर शिक्षा व्यवस्था में, उसके लिए यूडाइस प्रणाली काफ़ी पुरानी व्यवस्था है, जिसमें भारत सरकार के वेबसाइट में सभी प्राइवेट विद्यालय, शासकीय विद्यालय अपना डेटा फीड करते हैं। उससे नीतिगत निर्णय लेने में, अध्ययन करके सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करने में और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, अवस्थापनाओं को संतृप्त करने के लिए मदद होती है। यूडाइस प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है, उसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी प्रबंधकगण, प्रधानाध्यापकगण से अनुरोध करूँगा कि यूडाइस डेटा को पूरे सत्यनिष्ठा के साथ भरें। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, डेटा भरने से और बेहतर तरीके से हम अध्ययन कर पाएंगे, जिला स्तर पर, शासन स्तर पर बेहतर निर्णय ले पाएंगे और गोरखपुर जनपद को शिक्षा व्यवस्था में अग्रणी बना पाएंगे। इसमें अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें।